hey everyone I'm Shivangi Mishra and in today's video I will be telling you about some amazing product for acne prone skin or if you have some very very active acne something like this एंड सो एक्ने सीजन इज कमिंग एक्नेस बहुत सारी रीजन से हो सकता है कोई हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है या आपकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है या अगर आपकी स्किन ड्राई है तो अगर आपकी फेस पे ज़्यादा स्वेट आता है उसकी वजह से भी एक्नेस हो सकते हैं या कोई प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर तो आपको एक्नेस हो सकते हैं नॉर्मली सेवेंटी परसेंट ऑफ द टाइम जो एक्नेज होते हैं वो इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं एंड थर्टी परसेंट जो एक्नेज होते हैं वो एक्सटीरियर प्रॉब्लम की वजह से होते हैं लाइक डस्ट पोल्यूशन सन रेज एंड वॉट नॉट देर आर थाउजेंड ऑफ रीजन फॉर एक्नेज ऑफ पिंपल्स टू अकर ऑन अ फेस इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट ऑल द कॉजेज एंड हाउ टू क्योर देम प्लीज कमेंट बिलो एंड आई वुड डेफिनेटली मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट बट इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू माई समेवेट प्रोडक्ट्स दट आर वेरी वेरी अफोर्डेबल एब्सोलिटली बजट फ्रेंडली एंड यू कैन डेफिनेटली यूज देम इफ़ यू हैव रियली एक्टिव एक्ट और स्किन स्केज प्रोन टू हैव एक्टिव एक्टनेस एंड प्लीज मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहना क्योंकि मैं एंड में बताऊंगी यु अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स और जो होते हैं ना कि आज के टाइम में बहुत ही हाईलाइटेड इंग्रीडियंट्स है लाइक एसिड एंड विटामिन सी इन वॉट नॉट इस तरह के जो इंग्रीडियंट्स हैं कौन से हैं जो आपको अपनी एक्ने प्रॉन स्किन के ऊपर यूज करने चाहिए स्पेशली जब आपके फेस के ऊपर ये सारे के सारे धब्बे मुहासे हो रखे हैं एक्नेज हो रखे हैं पिंपल हो रखे हैं तो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करने चाहिए और कौन से ऐड नहीं करने चाहिए सो प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड नाउ विदाउट एनी मोर पकप लेट इन वीडियो किसी भी बेसिक स्किन केयर रूटीन में चार स्टेप एसेंशियल होते हैं क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग एंड देन अ सनस्क्रीन लोशन और हमें वीक में एक बार अपने फेस पे फेस मास्क या फेस स्क्रब को यूज़ करना चाहिए सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग फेस और उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी फेस को क्लीन करना है मतलब हमारा जितना भी मेकअप हमारे फेस पे है उसको रिमूव करना है ऑब्वियसली बात है जो लोग ज्यादा मेकअप नहीं लगाते फिर भी एक काजलिपस्टिक ऑब्वियसली सब लगाते हैं सो वी शुड डेफिनेटली गो फॉर डबल क्लिनजिंग मैथड क्योंकि हमारी स्किन पे जो एक्नेस हो रहे हैं मतलब हमारे फेस के ऊपर काफी सारे बैक्टीरिया है या डर्स वगैरह चिपक जाती है तो इट इज बेटर टू गो फॉर डबल क्लिनिंग मैथड एंड द फर्स्ट थिंग शुड हैज बी मेकअप रिमूवर अगर आपके फेस पर है देन वन ऑफ द बेस्ट मेकअप रिमूवर हैजू बी अ मिसलाव वाटर आप किसी भी मिसलाव वाटर को चाहे वो गार्नियर का हो चाहे वह सिंपल का हो तभी मिसलाव वाटर लेकर अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं बट इफ यू हैव ड्राइज के आई वुड हाइली रिकमेंड यू कैन गो फॉर फ्लम इल्यूमिनाइज क्लिनिंग बा इवन दैट इज रियली रियली अमेजिंग बट अगर आपकी स्किन पे एक्टिव एक्नेस हो रखे हैं या एक्टिव पिम्पल हो रखे हैं दैन प्लीज डोंट अप्लाई एनी काइंड ऑफ कोकोनट ऑयल ऑल आलमंड ऑयल वो जो ऑयल है वो डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर से मेकअप को रिमूव कर देगा लेकिन वो आपकी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज और कर देगा आपकी को कर सकता है जिसकी वजह से जो एक्टिव हैं वो और एक्टिव हो सकते हैं और खराब हो सकते हैं प्लीज डोंट अप्लाईंड केव एक्टिव हो रखे हैं गो फॉर मिसलार वाटर और इफ़ यू हैल्सो गो फॉर क्लेंजिंग बाम दैट विल स्टिल वर्क नाइसली एंड वेरी जेंटली ऑन योर फेस जिनके फेस पे काफी सारे एक्टिव एक्टिव हो रखे हैं they should go गो फॉर very mild cleanser or a gel based face wash. वो काफी अच्छे से आपके फेस को क्लीन भी करेंगे और आपकी जो एक्नेस हो रखी है उनको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे सम ऑफ़ द बेस्ट सजेशन दैट आई कैन गिव यू आर एनी काइंड ऑफ नीम फेस वॉश क्योंकि जो नीम फेस वॉश होते हैं उनके अंदर नीम एक्सट्रैक्ट होते हैं और नीम्स आर हाईली हाईली नोन फॉर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके जितने भी एक्टिव एक्नेस हैं उनको काउ डाउन करेगा उनकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और जितने भी बैक्टीरिया आपके फेस पे हो रखे हैं जिनकी वजह से एक्नेस इतने सारे आ गए वो उन सबको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा सो एनी काइंड ऑफ नीम फेस वॉश इज अमेजिंग यू कैन गो फॉर एनी ब्रांड दैट सूट्स यू द मोस्ट बाय अ नीम फेस वॉश एंड स्टार्ट यूजिंग इट इफ यू हैव ड्राई स्किन और इफ यू डोंट लाइक द टेक्चर ऑफ जेल फेस वॉश यू कैन ऑल्सो गो फॉर क्रीम बेस्ड क्लेंजर लाइक सिटेफिल्क क्रेंजर फॉर ऑयली स्किन या कोई भी क्रीम बेस्ड क्लेंजर जिनके अंदर टी थ्री ऑयल हो या स्पेसिफिकली लिखा हो क्लिंजर फॉर ऑयली और एक्ने प्रॉन्स स्किन

नो no, रिमूव करने के लिए रिड्यूस करने के लिए सो दीज आर सम फेस वॉश सजेशन फॉर एक्ने एक्स के सेकंड स्टेप हैज टू बी अ टोनर जो टोनर होता है आपकी स्किन की जो पी एच लेवल है इसको बैलेंस करने में हेल्प करता है इफ़ यू डोंट नो वट अ टोनर इज एंड वाई यू शुड यूज इट आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज द कार्ड विल कम अप यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस वीडियो सो बट Toner for oily skin people, for or for acne-prone skin people can be these, and there has to be very, very soothing and very, very calming to your skin. For example, a cucumber toner can be amazing, and Biotic has its own bio cucumber toner with Himalayan water, which is amazing. It will calm down your acne, it will calm down the inflammation, it will also tighten up your pores, or your skin becomes very soothing or balancing. You can also go for rose water. Rose water are absolutely made for एवरी स्किन टाइप पीपल आपकी स्किन कैसे कैसी भी हो रखी हो दूस वाटर वर्क रियली रेली अमेजिंगली और यू कैन ऑल्सो गो फॉर टोनर्स डैट हैव टी थ्री ऑयल इन दैम टी थ्री ऑयल अपने आप में एक बहुत अच्छे इंग्रीडियंट है जो आपके एक्नेस को टारगेट करता है और उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है इवन दैट इज रियली रेली अमेजिंग ना वेयर इज अ सेम कि हमें हमेशा एल्कोहल फ्री टोनर्स को यूज़ करना चाहिए हमारे फेस के ऊपर स्पेशली जब हमारे फेस पर एक्नेस भी हो रखे हैं बट दैट इज नॉट हंड्रेड परसेंट ट्रूथ दे आर मेनी डर्माटोलोलॉजिस्ट हुक्सप्लेन दिस थिंग ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन द मेनी सोशल मीडिया ऑन गूगल एवरीवेयर कि जो अल्कोहल बेस्ड टोनर्स होते हैं दे आर वेरी माइल्ड इन एल्कोहल और वो जो एस्ट्रीजेंट्स होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल होता है वो एक्चुअली आपकी स्किन के बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प करते हैं सो यू कैन ट्राई एनी काइंड ऑफ एस्ट्रीजेंट ड रियली बर्न ऑल द काइंड ऑफ बैक्टीरियाज ऑन योर फेस जैसे जब मेरे एक्टिव एक्स होते हैं जन एंड इट वर्क लाइक वंडर्स लाइक सीरियसलीफिनेटली उसको जब जैसे आप अप्लाई करोगे आपकी स्किन थोड़ी सी बर्न करेगी थोड़ी सी टिंगलिंग सी होगी खुजली सी होगी बट विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड

ऑयल आपके फेस पर आएगा उतने ही वो आपके पोर्स को क्लॉक करेगा और उतने ही वो डिस्टर्बिंग होगा क्यों सो यू शुड नॉट स्किप योर मॉइस्चराइजर स्पेशली प्लीज बट फॉर ऑयली स्किन टाइप पीपल आपके लिए जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर मार्केट में इजिल अवेलेबल है दे आर सो मेनी अमेजिंग जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर विच वर्क रियली अमेजिंगली योर स्किन जो क्रीम्स भी है दे आर सो मेनी नॉन ग्रीसी क्रीम्स दैट वर्क अमेजिंगली ऑन योर स्किन The one I like the most is Nivea Soft Cream. It is a non-greasy formula. It is really really amazing for oily skin type of people. It glides on very easily. It gets absorbed very easily and it is such an amazing amazing product. The second moisturizer can be a gel based moisturizer. For example, aloe vera gel or there are many kind of gel booster moisturizer for oily skin people and that is really really amazing. They work really nicely for your skin. वन ऑफ माई फेवरेट जेल मॉइस्चराइजर इज डॉट इन की सेवेंटी टू आवर्स हाइड्रेटिंग जेल इट इज रियली रियली अमेजिंग इट हाइड्रेट माई स्किन फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर श्योर मैंने कभी इतना लंबा ट्राई नहीं किया बट ट्वेंटी फोर आवर्स और ट्वेल्व आवर्स ऑल्सो इट अमेजिंग वंस यू अपलाइड इन द नाइट टाइम बिफोर यू गो टू बेड और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठोगे योर स्किन स्टिल फील सो अमेजिंग एंड सो सॉफ्ट

Even if you have simple oily skin and you want a nice moisturizer for oily skin, it is such an amazing product. Final suggestion for an acne prone skin or oily skin has to be Lectacanamine. That is an amazing product. ये एक अमेजिंग स्पॉट करेक्टिव क्रीम की तरह भी वर्क करता है अगर आपके फेस पे जहाँ पे एक्नेस हो रखे हैं या एक्नेसकार्स भी हो रखे हैं आपको जरा से साइट को स्पॉट्स पे लगाना है जस्ट लीव इट फॉर टू थ्री आवर्स एंड देन रब इट ऑन योर फेस वॉश नहीं करना है वॉश बिल्कुल नहीं करना यू कैन जस्ट रब इट एंड जो भी जो फ्लेक्स उसके जम जाएंगे आपकी स्किन पे दे विल डस्ट ऑफ बट इट इज ऑल्सो एन अमेजिंग अमेजिंग मॉइस्चराइजर स्पेशली जब आपके स्पेस के ऊपर एक्टिव एक्ने हो रखे हो अगर आप सिंपली इसको ही लगा लोगे या स्किन इज एब्सोल्युटली सॉल्टेड एंड इट इज सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट द फाइनल स्टेप सनस्क्रीन लोशन यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन लोशन नो मैटर वॉट अगर आप घर के बाहर स्टेप आउट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो चाहे घर के अंदर हो कंप्यूटर के हमने काम कर रहे हो इवन आप सिर्फ खाना बना रहे हो यू शुड नेवर एवरस्केप योर सनस्क्रीन लोशन क्योंकि जब आप अपने फेस पर सनस्क्रीन लोशन को अप्लाई कर लेते हो तब तो एक लेयर अप्प्लाई कर लेते हो ताकि जितनी भी बाहर की डस्ट है या जो यू वी रेज है जितनी भी अल्ट्रा वायल्ट रेज आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्टली अटैक ना करे अगर वो आपकी स्किन के बढ़ाने के लिए अटैक करेंगे तो जो आपके ऑलरेडी एक्टिव एक्नेस हैं वो उनको और बूस्ट कर देगा उनको और ख़राब कर देगा सो इट्स बेटर टू अप्लाई अ सनस्क्रीन लोशन एंड वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन लोशन Is none other than again from Lactokelamine. it is Lactokelamine daily sun shield look it is a mattifying moisturizer with SPF 50 it will protect your skin for sure and is also an amazing amazing product for oily skin people acne for acne prone skin people I totally swear by it it is such an amazing amazing product the final thing has to be a face mask because if we my so many acne we need to calm them down एंड टू कम दैन डाउन आई ऑलवेज बिलीव इन डी आई वाईज इफ़ यू ऑलरेडी वॉच सम ऑफ माई ओल्ड वीडियोज़ यू नो दैट कि मैं डी आई वाई करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ आपको कुछ नहीं करना बस थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है या फुलर अर्थ पाउडर लेना है उसके अंदर थोड़ा सा कोकम्बर मिक्स करना है उसको अप्लाई करना है दैट्स इट बहुत ही सिंपल है अगर आपको कुम्बर नहीं लगाना तो यू कैन ऑल्सो एड रोज वाटर अगर आपको थोड़ा सा और ग्लोइंग इफेक्ट भी चाहिए अपने एक्नेस को ट्रीट करने के साथ साथ यू कैन एड टोमेटो जूस टू इट और ये अगर आपकी स्किन पे जो एक्टिव एक्टिव हो रखे हैं जो थोड़े बहुत पेनफुल भी हैं तो उनको काम करने के लिए यू कैन ऐड एक लिटिल बिट ऑफ मुल्तानी मिट्टी उसके अंदर थोड़ा सा कुंबर जूस मिला के एंड अ लिटिल बिट ऑफ एप्पल साइडर विनेगर इट इज अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट टू ट्रीट योर एक्टनेस आपको बस इन तीनों को मिक्स करना है अपने फेस पे अप्लाई करना है एंड मेक मेश यू अपलाई अ लिटल बिट ऑफ थिक फेस पैक थिन वन थोड़ा थेक ताकि उसको ड्राई होने में उतना टाइम लगेगा जितना टाइम उसको लगेगा ड्राई होने में उतना ही टाइम वो यूज करेगा आपके आंख में इसको ट्रीट करने में पर अगर आपको इतना सारा काम झाम नहीं करना यू अ वेरी सिंपल एंड क्विक सोल्यूशन देन गो एंड ट्राई हिमालय नीम प्योरिफाइंग फेस मास्क इट इज ऑल्सो अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट आपके आकनीस को ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है माय दिस स्किन केयर रूटीन इज अ वेरी बेसिक स्किन केयर रूटीन जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए अगर आपकी स्किन पर आकनीज हो रखे हैं या पिंपल्स हो रखे हैं या आपको गर्मियों में इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है यू कैन स्टार्ट डूइंग द स्किन केयर रूटीन फ्रॉम टूडे सेल्स एंड आई कैन श्योर यू देटरली डिटरेट कम योर स्किन अगर आप अपने एक्नेस के लिए कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं देन प्लीज फॉलो अर स्किन केयर रूटीन विच इज वेरी वेरी एसेंशियल नॉ एज आ सेट की मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी सम अमेजिंग इंग्रीडियंट्स टू एड इन योर स्किन केयर रूटीन एंड सम स्किन केयर इंग्रीडियंट दैट यू शुड अवॉइड इन योर स्किन केयर रूटीन इफ यू हैव एक्टिव एक्नेस आर यू शुड नेवर एवर अप्लाई विटामिन सी ऑन योर फेस आई नो काफी लोगों को शॉकिंग लगेगा यू शुड नॉट अप्लाई विटामिन लगा रहे हो वो आपकी स्किन पे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा इट हार्म यू बट इट वोंट गिव यू एनी काफिट क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी इस वक्त काफी प्रॉब्लम से है तो उसकी वो गुडनेस को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सो प्लीज डोंट अप्लाई विटामिन सी इफ यू हैव एक्टिव एक्नेस

मतलब इतनी बातें हो रही जैसे कि मधुमक्खियां कर रही हैं हाइलोरॉनिक एसिड हाइलोरोनिक एसिड दे आर मेनी डिफरेंट वेज टू प्रोनाउंस इट हाइलोरॉनिक एसिड आई डोंट नो बट उसको भी अपने फेस पे नहीं लगाना है अगर आपके फेस पे ऑलरेडी एक्टिव एक्नेस हो रखे हैं क्यों क्योंकि हेलोरॉनिक एसिड के अंदर ह्यूमिकटेंड है ह्यूमिकटिन एक टाइप का मॉइस्चराइजर है जो आपके बाहर के एटमोसफेयर से मॉइस्चर को ग्रैब करके कर आपकी स्किन को प्रोवाइड करेगा एंड यू डोंट वांट टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ मॉइस्चराइजेशन और एनी काइंड ऑफ हेवी मॉइस्चराइजेशन टू योर स्किन और टू योर एक्टिव एक्नेस सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड यूजिंग विटामिन सी एंड हेलोरॉनिक एसिड ऐसा नहीं की आपके स्किन के लिए बुरे हैं नहीं वो बुरे नहीं है बट यू शुड नॉट अप्लाई वेन यू हैव एक्टिव एक्ट सो यू केवॉइड यूसिंग हेलोरॉनिक एसिड और विटामिन सी टू योर फेस वन थिंग डेट यू शुड डेफिनेटली स्टॉप यूजिंग इफ यू एक्टिव एक्नेस आर फेसियल ऑयल्स किसी भी टाइप का ऑयल अपने फेस पे नहीं लगाना है नाउ देर मेनी फेशियल ऑयल्स अवेलेबल इन द मार्केट जो कहते हैं वो ऑयली स्किन के लिए बने हैं एंड दैट इज फॉर श्योर दैट इज सो ट्रू मैं भी अपने फेस पे ऑयल लगाती हूँ मैं अपने फेस पे आलमंड ऑयल को लगा के मसाज करती हूँ पर जब आपके फेस पे एक्टिव एक्नेस हो रखे हैं इस टाइप के तब हमें किसी भी टाइप का ऑयल अपने फेस पे नहीं लगाना है

बिकॉज आपकी स्किन को क्लीन करने में हेल्प करेगा ग्लाइकोलिक एसिड अगेन आपकी स्किन के जो सर्फेस है उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा और जबकि सेल टर्न ओवर उनको बिल्डअप करेगा उनको इंक्रीज करेगा ताकि आपकी जो स्किन है वो जल्दी से जल्दी हील हो सके यू वॉन्ट टू नो समेजिंग ग्लाइकोलिक एसिड रिव्यू आई है वीडियो ऑन दट एज वेल इज द लिंक इज इन दिप्शन बॉक्स प्लीज गो एंड वॉच इट आउट ऑल्सो आई एम सून कमिंग अपर वीडियो जहां में पूरा बताऊंगी सैलिसिकसिड के बारे में द प्रोडक्ट विच इंक्लूड सलिस एंड विच आर रियली गुड फॉर एक्टिंग प्रॉसके नेक्स्ट वीडियो इफ यू वॉन्ट टू नो समथिंग अबॉट सैलिसलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड के ऊपर मेरे पास वीडियो ऑलरेडी है जो आ जाएगी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी होगी सो प्लीज गो एंड वॉच इट आउट

एंड यू विल डेफिनेटली फॉलो दिस काइंड स्किन केयर रूटीन अगर आप इस स्किन के रूटीन को फॉलो करते हो दैन प्लीज़ ट्राई टू पोस्ट योर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया ऑन फेसबुक ऑन इंस्टाग्राम एनी वे एंड प्लीज टैग मी मेरे जितने भी हैंडल्स हैं सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम फेसबुक एवरी थिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट एंड आई एल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय थैंक यू